हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ रश्मि पेड़ीवाल। आज मैं थोड़ा सीरियस टॉपिक लेके आई हूं आपके लिए। रिव्यू करूंगी शॉपक्लूज के एक प्रोडक्ट का। महीने भर पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था और आज वो मेरा कैसा चल रहा है और मैं कितनी परेशान हूं उससे, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आप प्लीज पहले मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और देखिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। मैं ट्रूथफुल रिव्यू दे रही हूँ ना, तो मुझे किसी ने नेगेटिव रिव्यू देने के लिए प्रोत्साहित किया है, लेकिन मैं नेगेटिव दे रही हूँ बिकॉज आई एम रियली वेरी अनहैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम शॉप क्लूज। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा मैंने अपना एक शॉपक्लूज हॉल आपके साथ शेयर किया था, उसमें मैंने एक ये स्पीकर मंगाया था। उस समय मैं टिंग करके बहुत जोर से बज के और ये स्टार्ट हुआ था। ये अभी भी बज रहा है, बस ये इतना ही बजता है। ब्लूटूथ में जिस दिन से ये आया है उस दिन से ये इतना ही बजता है, बस गाने कभी नहीं बजे, कसम से बोल रही हूँ। इस पे इसका हॉल शेयर करने के लिए, इसका हॉल शेयर करने के लिए मैंने इसको 3 दिन बाद में खोला, मैंने इसको चार्ज किया, इसका चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है। शॉपक्लूज को बोला तो बोलते हैं कि ये सब प्रोडक्ट रिटर्न नहीं हो सकते, 7 डेज हो गया आपके चले गुड, 7 डेज हो गया आप रिटर्न नहीं करना चाहते हो, ये तो कोई मतलब की बात नहीं हुई। ये बस जिस टाइम में ऑन किया मैंने, आपके सामने पिछला वीडियो देख लीजिए, ये ऐसे करके आवाज करता है, ये बस इतना है। इसके आगे ये कभी नहीं बोलती है, कुछ नहीं बोलती है। हाँ, और शॉपक्लूज ने दुखी दुखी कर रखा है, शॉपक्लूज को इतना बोले चेंज कर दीजिए, एक पैसा का काम भी, एक दिन भी, एक गाना भी नहीं सुना। गलती हो गई मेरी, मुझे JBL वाला मंगाना चाहिए था। मेरा ट्रुथफुल रिव्यू है ये, मैं शॉपक्लूज से जलती नहीं, सारा बहुत माल मंगाती हूँ, लेकिन आज ये इतना घटिया प्रोडक्ट दे दिया, तो ये बताना भी आपको जरूरी है ना। आप ही बताइए, आपको नहीं बता, आपको सब चीजें दिखा दूंगी कि ये लाई बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप खराब है तो किसको बताओ, इसीलिए आपको बता रही हूँ। ये इतनी बुरी तरीके से इसका, ये देखिए चार्जिंग स्टेशन में, ये चार्जिंग स्टेशन है ही नहीं है। मैं मार्केट में गई, मैंने कहा इसका चार्जिंग स्टेशन में वो पिन लगा दो, तो बोलता है कि है ना इतना रुपया लगेगा, उतना रुपया लगेगा। चलो 500 रुपया दे करके, 500 का स्पीकर, 500 रुपया दे करके मैंने उससे पिन भी लगवा लिया, मार्केट वाले से लगवा लिया। अभी दिखता है ये चार्जिंग स्टेशन पे, ये यहाँ पे दिखेगा, ये यहाँ पे दिखेगा, दिखता है नहीं दिखता है ही नहीं। वो वापस 10 मिनट में टूट गया, वो ठीक करके दिया, वो 10 मिनट में, तो अब ये चार्ज ही नहीं होता है तो मैं इसको यूज क्या करूं, ये टूटा है मेरे लिए। ये बॉक्स को, 500 रुपया के बॉक्स को मैं रख रखी हूं दिल से लगा के, मेरा पैसा लगा हुआ है इसलिए। तो अब आप मुझे बताइए कि मैं क्या करूं, और शॉपक्लूज से ये अनब्रांडेड स्पीकर्स बिल्कुल मत लीजिएगा, बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स नहीं। मैं सोची इतना चमकदार दिखता है, थोड़ा तो आवाज बजी जाएगा, सुंदरकांड वगैरह सुन लूंगी, हल्की फुल्की पार्टी इंजॉय कर लूंगी, बड़ा खुश हुई थी आया था तो। अब क्या, कुछ नहीं, एकदम थम्स डाउन, बेकार प्रोडक्ट। सो प्लीज डोंट बाय ऑल दीज अनब्रांडेड स्पीकर्स फ्रॉम शॉपक्लूज। यहां मैं अपना वीडियो को एंड करती हूँ अपनी बात को, और अगर आपको मेरा वीडियो ट्रुथफुल लगा, सही लगा, तो आप मुझे जैसा भी रिस्पॉन्ड देना चाहते हैं दे दीजिए।